संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश होने की चर्चा से ही विवाद शुरू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया विरोध। ओवैसी बोले, मुसलमान से संपत्ति छीनने की साजिश। सरकार के सूत्र ने कहा, नहीं छीनेगी जमीन। लवर लैंड जिहाद रोकने के लिए दो कानून लाएगी असम सरकार। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा बोले, लव जिहाद करने वाले को मिलेगी उम्र कैद। इधर रेप केस में योगी सरकार का एक्शन जारी। रेप के आरोपी मोइद खान की अवैध प्रॉपर्टी पर आज भी चलेगा बुलडोजर। मामले में सियासत तेज। अखिलेश के ट्वीट पर बीजेपी नेताओं का पलटवार। आरोपी का बचाव करने का लगाया आरोप। आर्टिकल 370 हटाने को 5 साल पूरे होने पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त। राज्य की बीजेपी इकाई आज ऐतिहासिक फैसले पर मनाएगी जश्न। बिहार के हाजीपुर में बिजली के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 9 कांवड़ियों की मौत। करंट लगने से आधा दर्जन लोग झुलसे। बाबा हरिहरनाथ मंदिर में आज जलाभिषेक करने की तैयारी। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर बांग्लादेश में जबरदस्त हिंसा। 100 से ज्यादा की मौत। भारत ने नागरिकों को बांग्लादेश की यात्रा से बचने की दी सलाह। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। केदारनाथ में 10,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित निकाले गए। वायनाड में भी लगातार 7वें दिन लापता लोगों की तलाश। ओलंपिक के 10वें दिन भारत को फिर पदक की आस। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन का ब्रॉन्ज मेडल के लिए मलेशिया के खिलाड़ी से होगा मुकाबला। टेबल टेनिस में आज विमेन्स टीम प्री क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए उतरेगी।